मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है, तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। राहुल गांधी 4.5 लाख करोड़। टुडे आई एम एब्सोल्युटली जुबिलियंट टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉमिनेशन रैली ऑफ माय स्टेट प्रेसिडेंट। द इश्यू इज दैट हु इज द प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट ऑफ द इंडिया अलायंस। Is Rahul Gandhi acceptable? So this is an India alliance which does not have a neta, which does not have a niti, and its niyat is to loot. That is known by every Indian citizen. Well, there is a hugging in Delhi and a begging in Kerala, which needs to be explained. Why is it that when the alliance partners come together for a rally in the national capital, there seems to be no animosity, but when it comes to the seat of Wayanad, there is this for competition that is taking place. If the alliance was intact, would the alliance have two separate candidates in Wayanad? And if the alliance is a non-starter to begin with, can then the Congress claim any kind of victory, electoral or moral, with regards to the Congress leadership and the alliance that it tom-toms about? मेरा ये मानना है कि कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के ध्वजों को, फ्लैग्स को अपनी नॉमिनेशन रैली में छुपाया है, तो निश्चित रूप से वो इस चुनाव में इस पड़ाव को पार करने के बाद उत्तर भारत आएंगे। आई थिंक दैट इट इज फूल हार्डी टू हाइड फैक्ट्स फ्रॉम द पीपल इन द एज ऑफ नॉट ओनली मीडिया बट ऑल्सो डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। पीपल बीट इन अमेठी और वायनाड नो एंड द कांग्रेस स्टैंड्स एक्सपोज्ड। द क्वेश्चन इज that Rahul Gandhi that creates animosity against Sanatan Dharma when he does politics in the south of India, why then does he go to every temple of repute in the north of India when he wants to fight an election?